हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परविंदर आपका अपने चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बॉब द बिल्डर शो के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट। ये शो 1998 से 2004 तक चला था और मेरा ये फेवरेट शो था, मुझे बहुत पसंद था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और आपको भी ये पता चल सके कि बॉब द बिल्डर शो के पीछे के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट कौन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए। तो अब और ज्यादा देर ना करते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फार्मर पिकल्स, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास कुछ पुराने टायर्स घर में हैं, कोई परेशानी नहीं, हम फार्म की तरफ से ही गुजरेंगे। फार्मर पिकल्स थे, उन्हें कुछ पुराने टायर्स चाहिए, हम रास्ते में उन्हें देते जाएंगे। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं बॉब। चलो डिजी, मिसेस पल्स इंतजार कर रही होंगी, उन्हें शायद बहुत सारे कपड़े सुखाने हों। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं बचपन से ही ऐसी हड्डी मिलने के सपने देखा करता था। ये तो रीढ़ की हड्डी है, और ये और यहाँ भी। बताया हमें क्या मिला है? एक स्टेगोसॉरस। तो बॉब, ये काफी हड्डियां हैं, और जानते हो, मुझे लगता है हमें पूरा कंकाल मिल जाएगा। क्या ये अच्छा होगा? अच्छा बहुत अच्छा है। अरे पूरे कंकाल बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, मैं म्यूजियम जाता हूँ और हड्डियों के लिए किसी गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। मैं हूँ ना मिस्टर एलिस। ओह थैंक यू स्कूप, लेकिन ये हड्डियाँ बहुत कोमल हैं, ये तुम्हारे स्कूप में टूट सकती हैं, इसलिए मेरा ख्याल है मुझे कुछ खास मदद बुलानी होगी। लेकिन हमें इनकी रखवाली के लिए कोई चाहिए होगा, जब तक कि मैं लौट के आऊँ। हेलो स्कूप। अच्छा तुम हो? हाँ, क्या कर रहे हो? मैं बहुत कीमती हड्डियों की रखवाली कर रहा हूँ, इन्हें मैंने ढूंढा है, पता है? जरा दिखाओ तो चलो। सॉरी स्पॉट, ये डायनासोर की हड्डियाँ हैं और इन्हें किसी को दिखाने की इजाजत नहीं है। थोड़ा झांक भी नहीं सकते? नहीं। सच तो अगर ये देख के उसको इतना डर लग रहा है तो असली का डायनासोर आता तो क्या हाल होता? या फिर डिजियोसॉरस। और डिजी, हमें मिसेस पॉट्स के बगीचे में घूमने वाला नया ड्रायर लगाना है। वाह, मजा आएगा। वो घूमने वाला ड्रायर डिजी, वो होता है। हेलो मिसेस पॉट्स। ओह गुड मॉर्निंग। ये घूमने वाला ड्रायर आखिर कहाँ लगाना चाहिए? तुम इसे जरा पकड़ो ताकि मैं देख सकूँ कि ये कैसा लगता है। चलो बाहर ले जाओ। तो ठीक है टीम, इस काम को पूरा करते हैं। आज का पहला काम छज्जा लगाना और फिर हम छत बनाएंगे। लेकिन छज्जा और छत तो एक ही हुआ बॉब। ओह नहीं मक, छज्जा लगाना ये खिड़कियों पर लगाया जाता है जिससे पानी अंदर ना जाए, और हम नहीं चाहते कि लेजन बी के घर में पानी जाए, है ना? नहीं चाहते। ओके दोस्तों, करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ। हाँ कर ही लेंगे। अब इसे यहाँ जमीन पर तो नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब तुम दोनों यहाँ से ये मिट्टी खोद कर गड्ढे में भर दो। ठीक है, मुझे ये पसंद है, मुझे मिट्टी वाला काम पसंद है। अच्छा तो हमें काम करते हैं, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पता है हम बॉब की मदद कैसे कर सकते हैं? उसके आने तक हम पानी की टंकी लगा देते हैं। घबराओ मत, स्पॉट कभी कोई गड़बड़ नहीं करता। जो करना है वो मैं बताऊंगा, बॉब बहुत खुश होगा कि उसके बिना ही हमने ये सब किया। आप कहाँ जा रहे हैं फार्मर पिकल्स? संगीत का एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है स्पॉट, पार्क में मेरा बैंड भी संगीत बजाएगा, समझे? पार्क में बजाएगा? मुझे भी पार्क में बजाना है। क्या बजा रहे हैं आप, 8, 9 या 10? बजा मतलब वक्त नहीं स्पॉट, खैर जाने दो, तुम नहीं समझ पाओगे। हमें रेल की पटरियां साफ करके साइकिल का नया रास्ता बनाना है। वहाँ तो गाड़ियाँ आएंगी। ओह डरो मत लॉफ्टी, वहाँ गाड़ियाँ नहीं आएंगी। काम खत्म हो गया लॉफ्टी? हो ही गया,
फिर मिलते हैं बॉब। को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए स्पॉट, बॉब ने उसके आने तक हमें रुकने को कहा। सुनो स्पॉट, अब बाहर आ जाओ, बारिश रुक गई है। ओह थैंक्स ट्रेविस, गीला होना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा, देखता हूँ। अरे ये क्या मुझे हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। ओह कम ऑन ट्रेविस, क्या कर रहे हो? ओह मैं मिट्टी में फंस गया। वो तो हूँ क्या, तुम तो ट्रैक्टर हो, तुम फंस नहीं सकते, और कोशिश करो। कोई फायदा नहीं स्पॉट, तुम्हें मदद बुलवानी होगी। तो ठहरो ट्रेविस, मैं फार्मर पिकल्स को ढूंढ कर लाता हूँ। क्या ख्याल है मार्जरी? बहुत अच्छे बॉब, लेकिन स्टोरेज की जगह नहीं भूलनी चाहिए। फैक्ट्री जाने से पहले सनफ्ला के फूलों को यही रखते हैं। थैंक्स लॉफ्टी, मेरे ख्याल से मैंने साइकिल यहाँ तो नहीं रखी थी, तो यहाँ कैसे आई? हवा की टर्बाइंस, सोलर पैनल्स के साथ ये भी ऊर्जा का निर्माण करेंगी। तुम्हारी साइकिल के लिए मुझे बहुत अफसोस है मार्जरी। ओह कोई बात नहीं डिजी, जानती हो मेरे पास रिपेयर किट है और मैं पहले भी साइकिल के पहियों को सीधा कर चुकी हूँ। मार्जरी, ऐसी ही फैक्ट्री की मैंने कल्पना की थी, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सनफ्लावर से सनफ्लावर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री। सनफ्लावर फैक्ट्री कैसे बनाएंगे हम? हो डिजी, ये बात तो सनफ्लावर फैक्ट्री एक्सपर्ट मार्जोरी से पूछनी चाहिए। मार्जोरी? वो बस आती। हेलो, अब तुम्हारी बारी। ठीक है बॉब, शुरू करते हैं रॉक एंड रोल। रोली संभालो, रुको। ओ साही, ओ बॉब स्कूप देखो साही। ओ